एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुमार शेखावत। आइए रुक करते कुछ विशेष खबरें। महाराज 23 को सुबह राजकुमार झालड़िया ने एक रिपोर्ट थाने पे बताया कि मैं मेरे साथी के होटल एवरलैंड डिश के ऊपर एक रूप और रेस्टोरेंट का दाम देखने के लिए होटल एवरलैंड आए हुए थे और उस होटल एवरलैंड के जो बेसमेंट के अंदर जो बाहर और जो वहाँ हम खाना खा रहे थे, खाने के दौरान इसका परिचित एक लड़का मंगेश और इसके और भी कोई साथी थे वहाँ पे, जो खाना खाने के बाद में किसी कमेंट को लेके, राजकुमार की गर्लफ्रेंड के कमेंट को लेके उनके आपस में वहाँ चुटकुले झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद में राजकुमार और उसकी जो लड़का उमा वहाँ से बाहर निकले, बाहर निकल रहा उन्होंने कैब बुक की, मंगेश और उसकी जो एक साथ में एक लड़की और उसका एक दोस्त जो बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद में होटल के वहाँ क्योंकि वहाँ बड़ा झगड़ा होता है, गाड़ी क्लोज होता है, मंगेश अपनी गाड़ी में से एक वेस्ट रोड का बल्ला निकाल के जो कैब बुक की उसको शोर करता है और जब बाकी अन्य लोग उसके बीच बचाव करने का वहाँ कार्य करते हैं, उसी दरमियान मंगेश गाड़ी को पीछे लेता है और आपस में जो उनके तनाव हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसमें उसका जो राजकुमार है उस गाड़ी के सामने आता है और उनके आपस में काफ़ी खींचतान होती है, ऐश होती है और एक दूसरे को मारने मरने की स्थिति की बात आती है। तब मंगेश अपनी गाड़ी को पीछे लेके और इनको मारने के लिए गाड़ी दौड़ाता है, जिसमें राजकुमार गाड़ी की टक्कर लगने से उछल के साइड में गिर जाता है और उसकी परिचित लड़की थी उमा वो टायर के नीचे आती है, मौत हो गई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। तुरंत एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी, संजय शर्मा डीसीपी, बलवीर एसएचओ, डीएसटी टीम अलग अलग जगह टीमें बनाकर दबिशें दी गई। यहाँ मालवीय नगर में, जगतपुरा में, मानसरोवर में, अजमेर, हिमानगर, सूरतगढ़ टीमें रवाना की, जिसमें मुजिम को टीमों ने अथक प्रयास करके आज मुजिम मंगेश को प्रत्याप कर दिया है और आगे इसी प्रकार।